सवाल नंबर एक, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंध। सवाल नंबर दो, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? आपका ऑप्शन है ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चंपारण। सवाल नंबर तीन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। सवाल नंबर चार, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। सवाल नंबर पांच, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है? आपका ऑप्शन है ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख, डी 1.9 लाख। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.5 लाख। सवाल नंबर छह, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए भद्राचलम, बी चिदंबरम, सी हम्पी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हम्पी। सवाल नंबर सात, जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। सवाल नंबर आठ, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अरविंद घोष, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर नौ, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली को नारा दिया? आपका ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1943 में। सवाल नंबर दस, गांधी जी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असमयोग खिलाफत आंदोलन, सी रॉलेट आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल नंबर ग्यारह, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल नंबर बारह, किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह,
डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 13। हु लिव्स इफ इंडिया डाइस किसकी उक्ति है। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 14। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपका ऑप्शन है ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुमुखी। सवाल नंबर 15। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, डी मौर्य काल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु काल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।